हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इसके पहले शेयर्स का मीनिंग बताया था, अभी तुमको नेक्स्ट मीनिंग समझा रहा हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ओन फंड एंड बोरो फंड। कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है कैपिटल का, पैसा का हिसाब किताब रहता है, राइट। तो कंपनी का पैसा दो, मतलब कंपनी का इंतजाम दो तरीके से होते, ओन फंड और एक बोरो फंड। ओन फंड मीन्स इंटरनल फंड, बोरो फंड मीन्स एक्सटर्नल फंड। ओन फंड को खुद का पैसा बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। बोरो फंड मतलब लोन, कंपनी ने उधार लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इतनी बड़ी कंपनी है, कंपनी को स्टार्ट करने में 100 करोड़ लग रहा है, तो कंपनी के पास 60 करोड़ है। कितना है? 60 करोड़ अवेलेबल है खुद का, शेयर्स के जरिए आ गया, तो ये ओन फंड हो गया। बाकी का जो 40 करोड़ कम पड़ रहा है, कंपनी इसके लिए कर्जा लेगा, क्या लेगा? बोरो करेगा, उधार लेगा। तो सोर्स ऑफ फंड मतलब कंपनी का पैसा कहाँ कहाँ से इंतजाम होता है। तो सोर्स ऑफ फंड क्या है? दो तरीके से आता है, एक खुद का पैसा और एक उधारी का पैसा। तो ओन फंड, ओन फंड मतलब शेयर होल्डर फंड। तो एक तो इक्विटी शेयर्स होता है, क्या होता है? इक्विटी शेयर्स जो परमानेंट कैपिटल होता है, और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स जो टेम्पररी कैपिटल। अभी इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, फिलहाल सिर्फ नाम और मीनिंग याद करो ना, ताकि धीरे धीरे बेस समझेगा ना तो सब आंसर अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो ओन फंड मतलब खुद का पैसा, तो एक इक्विटी शेयर्स है जो परमानेंट कैपिटल है, और प्रेफरेंस शेयर्स टेम्पररी कैपिटल। इक्विटी शेयर को डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग मिलता है, कभी कम कभी ज़्यादा। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड फिक्स मिलता है। और तीसरा खुद का, और तीसरा ओन फंड में आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कंपनी का जमा किया हुआ पैसा। जैसे कंपनी पिछले साल सपोज 10 करोड़ प्रॉफिट कमाई, कितना? 10 करोड़। तो कंपनी ने उसमें से 2 करोड़ क्या किया? रिजर्व रखा है, संभाल के रखा है, तो उसको बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। व्हाट इज रिटेन एंड रिटेन अर्निंग? इट इज ए प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जो कंपनी का लास्ट ईयर का प्रॉफिट सेव है। इट इज लास्ट ईयर प्रॉफिट मतलब पिछले साल का प्रॉफिट का कुछ पैसा जमा रहता है, जनरल रिजर्व में जमा रहता है, कोई फंड में जमा करके कंपनी रखती है, तो उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग क्या है? कंपनी का खुद का जमा पूंजी है। तो कंपनी का जब खुद का पैसा है, तो कंपनी वो अमाउंट कहीं भी यूटिलाइज कर सकती है खुद के लिए, जैसे कि वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, एज पर दी कंपनी नीड्स। तो ये कंपनी का खुद का पैसा है, इसमें किसी बाहर का हक नहीं है। तो ओन फंड में क्या था? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग। तो ये सोर्स ऑफ फंड का फर्स्ट पार्ट पड़े, राइट। और दूसरा पार्ट क्या है? जब कंपनी को पैसा कम लगता है तो कंपनी बोरो करती है। बोरो मतलब उधार लेती है, राइट, बोरोइंग करती है। तो बोरो फंड में सबसे पहले दिया डिबेंचर्स। क्या दिया है? डिबेंचर्स। कंपनी क्या है ना, डिबेंचर्स इश्यू करती है, डिबेंचर्स बेचती है, मतलब कर्जा लेती है एक तरफ से, बॉन्ड जो गवर्नमेंट इश्यू करता है। तो इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पोस्टमार्टम करूंगा उसको, टेंशन मत लो। फिलहाल सिर्फ नॉर्मली समझना है कि किसको क्या बोलते हैं, कौन किस में आता है। और बैंक लोन, जैसे बैंक कंपनी के पास कम पड़ा तो कंपनी बैंक से भी लोन लेती है फॉर द पीरियड ऑफ 5 या 10 ईयर्स। तो ये बोरो फंड है। क्या है कंपनी का? बोरो फंड। और क्या है? ओन फंड। और एक आता है बोरो फंड में पब्लिक डिपॉजिट। क्या आता है? पब्लिक डिपॉजिट। ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, और ऊपर वाले सब लॉन्ग टर्म। तो ये खुद का पैसा, ये उधारी का पैसा। तो जैसे कंपनी पैसा इकट्ठा करती है ना, उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड। ये खुद का पैसा, उधारी पैसा। तो कंपनी ये पैसा जमा करके पार्टी नहीं करती है, कंपनी वो पैसा क्या करती है? फॉर्म कंपनी में अप्लाई करती है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। वो पैसा को कंपनी एप्लीकेशन मतलब उसका यूटिलाइजेशन करती है, उसका इस्तेमाल करती है। जैसे कि फिक्स एसेट में, फिक्स एसेट मतलब क्या क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, टूल्स। फिर इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट के बाद करंट एसेट्स, करंट एसेट्स मतलब वही वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, छोटा मोटा एसेट्स, ताकि कंपनी का रोज का काम चलते रहे। तो ये है तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ फंड, ओन फंड और बोरो फंड। ओन फंड खुद का पैसा, बोरो फंड उधारी का पैसा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको सब अभी डिटेल में पढ़ाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।